नमस्कार, मैं हूँ प्यारी लाली और स्वागत करती हूँ आप सभी का लाली की थाली में। मेरे रेसिपी वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और यहाँ हमने रेडी करके रख लिया है ओट्स का आटा। मिक्सचर में इसको चलाइए और एक फाइन सा पाउडर बना लीजिए। जैगरी पाउडर, सिनेमन पाउडर, थोड़ा सा नमक, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। अब यहाँ ले लिया है मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस, कोकोनट मिल्क, कोकोनट ऑयल, टूटी फ्रूटी और थोड़े से रेजिन्स किशमिश। यहाँ ले लिया है थोड़ा सा आलमंड पाउडर, ये डालना ऑप्शनल है। गेहूं का आटा। अब एक एक करके हम सामग्रियाँ डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे कोकोनट ऑयल, उसमें जैगरी डाल के, जैगरी का पाउडर डाल के। यहाँ आप ब्राउन शुगर या शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत ही हेल्दी तरीके से दिखाया है इसलिए यहाँ पे मैं जैगरी पाउडर अच्छे से तोड़ लेंगे। इसमें डाल देंगे कोकोनट मिल्क ताकि बहुत अच्छे से हमारा मिक्सचर एक स्मूथ टेक्सचर में तैयार हो। यहाँ देखिए स्मूथ हो गया है मिक्सचर, टेक्सचर काफ़ी स्मूथ हो गया है। अब हम डाल देंगे आटा छलनी से छान के। इसमें डाल देंगे सिनेमन पाउडर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और जो बादाम का हमने पाउडर पीस के रखा था इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई भी ग्रेन्यूल्स ना रहे। इसमें हम डाल देंगे ओट्स का पिसा हुआ आटा। कट एंड फोल्ड मेथड में अच्छे से मिलाते रहेंगे, धीरे धीरे करके ऑरेंज जूस भी मिलाएंगे। इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे हम सूखा आटा ताकि श्रिंक ना हो नीचे। इसको भी अच्छे से मिक्सचर में हम अपने बैटर में मिला लेंगे और ग्रीस की हुई ट्रे में इसको फैला देंगे बैटर को। याद रखिएगा बैटर बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं होना चाहिए। इसको हम डाल देंगे ट्रे में और अच्छे से इसको टैप करके ऊपर से ओट्स डाल देंगे। 10 मिनट के लिए कढ़ाई को प्री हीट करके इसमें केक रखकर हम बेक करेंगे 50 से 60 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। आधे घंटे बाद अगर हम चेक करके देखें तो अभी केक हमारा थोड़ा सा गीला है। चलिए एक घंटे बाद देख लेते हैं, केक यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से बेक हो चुका है। तो चलिए खा के देखते हैं हमारा सॉफ्ट एंड स्पंजी फ्लफी सा ऑरेंज जैगरी ओट्स केक।